वही नेपाल में 12 जुलाई को पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड की सरकार गिरने के बाद केपी शर्मा ओली ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक ओली ने नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा के साथ राष्ट्रपति को सरकार बनाने की अर्जी सौंपी है। उन्हें रविवार तक प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा और उनका शपथ ग्रहण रविवार दोपहर तक हो जाएगा। वही ओली और देउबा के बीच हुई डील के मुताबिक दोनों अगले चुनाव तक बारी बारी पीएम पद बने रहेंगे। वही सरकार चलाने के लिए दोनों के बीच 7 पॉइंट्स का एग्रीमेंट बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से एक पॉइंट संविधान में बदलावों को लेकर भी है। नेपाल में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और प्रचंड ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जानकारी के मुताबिक वह संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। वे सिर्फ एक साल में 6 महीने ही प्रधानमंत्री रह पाए। एक और जहां फ्लोर टेस्ट में उन्हें 275 में सिर्फ 63 सांसदों का साथ मिला, तो वहीं नेपाल की नेशनल असेंबली ने 194 सांसदों ने उनके खिलाफ वोट कर दिया।